हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आप सबके साथ मैं फ्लिपकार्ट ड्रेसेस हॉल शेयर करती रहती हूँ जो कि आपको काफ़ी पसंद आते हैं। बट आज की वीडियो कुछ स्पेशल है और इन्फॉर्मेटिव है जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है, तो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा वरना आप काफ़ी इन्फॉर्मेटिव पार्ट मिस कर दोगे। तो आज मैं बात करने वाली हूँ आपके साथ फ्लिपकार्ट सुपर कॉइन्स के बारे में। आप भी जानना चाहते होंगे कि ये क्या है सुपर कॉइन्स, आप इनको कैसे ले सकते हो, कैसे गेट कर सकते हो और इन रिवार्ड्स को कहाँ खर्च कर सकते हो और ये रिवार्ड्स आपको कैसे मिलता है। तो देखिए, जो सुपर कॉइन्स होते हैं ये एक रिवार्ड करेंसी होती है, जब आप स्पेंड करते हो, आप कुछ भी बाय करते हो तो आपको मिलता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगी, सबसे पहली बात, सबसे स्पेशल बात आपके साथ शेयर करना चाहूंगी कि अगर आप फ्लिपकार्ट पर प्लस मेंबर हो तो आपको पर 100 रुपीज का भी आप कुछ बाय करते हो तो आपको 4 सुपर कॉइन्स मिलते हैं एज अ रिवार्ड करेंसी। तो अगर वैसे आप चिंता मत कीजिए, अगर आप प्लस मेंबर नहीं भी हो तब भी आपको 2 कॉइन्स मिलते हैं। तो भाई फायदा तो प्लस मेंबर का है ना, कि प्लस मेंबर अगर आप हो तो आपको 4 कॉइन्स मिलते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे पता है यही होने वाला है कि प्लस मेंबर कैसे बन सकते हैं। तो देखिए, आप हो सकता है कि अभी प्लस मेंबर के लिए एलिजिबल भी हो और आपको पता भी ना हो, तो आज की वीडियो इसीलिए मैं कह रही हूँ काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि प्लस मेंबर, फ्लिपकार्ट का प्लस मेंबर आप कैसे बन सकते हो। तो देखिए, उसके लिए जैसे आप कुछ भी 100 रुपीज तक का भी बाय करते हो तो आपको 2 कॉइन्स नॉर्मल अगर आप प्लस मेंबर नहीं हो तो आपको मिलता है, और 4 कॉइन्स अगर आप प्लस मेंबर हो तो आपका जो करेंसी है वो जमा होता रहता है। तो आप अगर जब 200 सुपर कॉइन्स कलेक्ट कर लेते हो तो आप क्या होता है कि प्लस मेंबर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो आपके माइंड में चीज आ रही होगी कि मैं कैसे 200 सुपर कॉइन्स कलेक्ट करूंगा या करूंगी, क्या पता मेरे पास अभी तक 200 हुए ही ना हो, मेरे पास तो 150-160 सुपर कॉइन्स ही हुए हो। तो देखिए, फ्लिपकार्ट पर आप गेम्स खेल कर भी सुपर कॉइन्स कलेक्ट कर सकते हो। तो आप एक स्टैंड, आपको एक चांस मिलता है सुपर कॉइन्स को कलेक्ट करने का। तो जरूरी नहीं है कि आप कुछ बाय कर रहे हो तभी आपको सुपर कॉइन्स मिलते हैं, आप गेम्स में विन कीजिए, आप जीतिए और आपको सुपर कॉइन्स आप और भी ज्यादा अच्छे से कलेक्ट कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होने वाला है, अच्छा हम इतनी मेहनत करके 200 सुपर कॉइन्स कलेक्ट करेंगे तो हमारे सुपर कॉइन्स तो मेंबरशिप लेने में ही खर्च हो जाएंगे, तो क्या फायदा है। तो बिल्कुल भी ऐसा मत सोचिए, क्योंकि अभी एक और गुड न्यूज आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। वो गुड न्यूज ये है कि देखिए, जब आप मेंबरशिप के लिए सिर्फ अप्लाई करने के लिए 200 कॉइन्स होने जरूरी है, लेकिन वो 200 कॉइन्स आपके वैनिश नहीं होते, मींस आपसे वो 200 कॉइन्स नहीं लिए जाएंगे मेंबरशिप के लिए, सिर्फ आपके पास होने चाहिए। ठीक है, आपको ये बात समझ आई, मींस आप उन सुपर कॉइन्स को इस्तेमाल कर सकते हो अपनी परचेज में। एक्साइटिंग डिस्काउंट ऑफर्स मिलते हैं जिसमें आप क्या इन सुपर कॉइन्स को यूज कर सकते हो। तो इसके बाद मुझे पता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये होने वाला है कि हम अपना सुपर कॉइन बैलेंस कैसे चेक कर सकते हैं। तो देखिए, बहुत ही आसान है, सुपर कॉइन बैलेंस चेक करने के लिए आपको क्या करना है, सुपर कॉइन पेज पर जाना होगा फ्लिपकार्ट पर, और वहां पर आपको राइट साइड में क्लिक करना होगा। तो देखिए, आपको वहां पर पता चल जाएगा कि आपके पास अभी कितने सुपर कॉइन्स हैं और आप इनको रिडीम कर सकते हो। तो देखिए, एक और चीज मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ। तो देखिए, जैसे आप कुछ भी सामान बाय करते हो तो देखिए आपके माइंड में ये होगा कि आपने देखिए कुछ बाय किया 500 रुपए का सामान, तो उसमें आपके सुपर कॉइन्स एड होंगे। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिए कि देखिए, हर एक प्रोडक्ट का एक रिटर्न टाइम पीरियड होता है, जैसे 10 दिन, 15 दिन, जितना भी टाइम पीरियड होता है। तो उस टाइम पीरियड के खत्म होने के बाद आपके अकाउंट में वो सुपर कॉइन जो है वो ऐड हो जाते हैं, वहां पर बैलेंस आपको दिख जाएगा कि कितना सुपर कॉइन्स आपके पास है अभी इस टाइम। तो थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा, आपके सुपर कॉइन्स आपको आपके वहां पर बैलेंस में दिख जाएंगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे पता है ये होने वाला है। तो चलिए, ये तो समझ में आ गया कि आपको जो सुपर कॉइन्स है चेक कैसे करने हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि इनको यूज कैसे करना है। तो देखिए, मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ। मान लीजिए कोई सामान आपको, कोई भी प्रोडक्ट पसंद आता है फ्लिपकार्ट पे, वो 300 रुपीज का है, तो आप चेक कर सकते हो क्या ये प्रोडक्ट एलिजिबल है सुपर कॉइन्स के लिए। तो जो स्क्रीन पर मैं आपको आपके साथ शो कर रही हूँ,
तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जो टॉप आइकन है उस पर क्लिक कीजिए ताकि आपको पता चले कि आप अपने सुपर कॉइन्स को कहाँ कहाँ पर यूज कर सकते हैं। यहाँ स्क्रीन पर आप देख सकते हो जो पहला आइकन है रिवार्ड ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहा है जिस पर रिवार्ड लिखा हुआ है। तो आप जैसे ही इस पर क्लिक करते हो तो आपको काफी सारी कैटेगरीज मिल जाएंगी जहाँ पर आप जो अपने सुपर कॉइन्स है उन्हें यूज कर सकते हो। और हाँ, एक चीज और मैं बताना चाहूंगी, आप इन सुपर कॉइन्स को चैरिटी भी कर सकते हो और एक अच्छा काम कर सकते हो। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, आप फूड रिवार्ड्स भी ले सकते हो, इसके अलावा आप जो प्रोडक्ट्स है उस पर भी डिस्काउंट ले सकते हो। तो काफी सारे मतलब ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, इवन आपको कैशबैक भी मिल सकता है। तो काफी सारे ऑप्शंस यहाँ पे कैटेगरी वाइज आपको मिल जाता है। इवन आप जैसे एंटरटेनमेंट पर क्लिक करते हो तो आपको OTT सब्सक्रिप्शन होता है जहां पर आप अच्छी अच्छी मूवीज एंटरटेनमेंट के लिए देखते हो, वॉच कर सकते हो। तो वहां का भी सब्सक्रिप्शन में आपको अच्छा खासा वहां डिस्काउंट मिल जाता है। तो आप सुपर कॉइन्स को आप वहां पर भी अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा भी अगर आप बहुत ही भारी भरकम डिस्काउंट चाहते हो तो यहाँ पर आप सेकंड आइकन देख सकते हो जो कि आपको सुपर स्टोर नाम से है। तो यहाँ पर आपको फिक्स्ड प्राइस में मतलब मिल जाता है, देखिए 1 रुपीज, 49, 99, 199 रुपीज स्टोर। तो यहाँ पर आपके साथ क्या होता है कि देखिए आप अपने सारे कॉइन्स भी यूज कर सकते हो। चलिए मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बताती हूँ। मान लीजिए आपके पास 360 कॉइन्स हैं और आपको कोई प्रोडक्ट पसंद आता है, वो 350 रुपीज का है, तो आप क्या कर सकते हो, 349 रुपीज तक के आप सुपर कॉइन्स मतलब सुपर कॉइन्स को आप एडजस्ट कर सकते हो 349 रुपीज का, और 1 रुपीज ओनली 1 रुपीज आप पे कर दीजिए। तो ये देखिए आपको कितना अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाता है यहाँ। इसके बावजूद भी अगर आपको लगता है कि आपको अपने सुपर कॉइन्स को यूज करना है अपनी शॉपिंग में, तो यहाँ पर आपको नेक्स्ट जो आइकन जो कि मैं आपको स्क्रीन पर भी दिखा रही हूँ नाम से मिल जाता है आपको फ्लिपकार्ट कूपन आइकन। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, आपको कैटेगरी वाइज भी बाई चांस, चलिए मैं आपको अच्छे से डिटेल में समझाती हूँ, अगर आपको रेफ्रिजरेटर बाय करना है या माइक्रोवेव बाय करना है तो यहाँ पर कैटेगरी भी आपको मिल जाती है, इवन सनग्लासेस भी, जो भी आपको पसंद का सामान है। तो आपको देखिए पर प्रोडक्ट आपको जा जाकर चेक करने की जरूरत नहीं है कि क्या सुपर कॉइन्स इस प्रोडक्ट पे अप्लाई होता है नहीं होता है। तो यहाँ पर अगर आप जाते हो फ्लिपकार्ट जो कूपन का आपको यहाँ पर आइकन मिलता है, तो यहाँ पर आपको वो ही सारी कैटेगरीज दिखाई जाएंगी जिन पर आप ही अपने सुपर कॉइन्स अप्लाई कर सकते हो। तो आपका टाइम भी बचता है और आपको अच्छे अच्छे डिस्काउंट ऑफर्स भी एक ही जगह मिल जाते हैं। तो यहाँ भी आपको कैटेगरीज मिलती है, आपको जो बाय करना है वहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए और सर्च कीजिए और आपको अपने सुपर कॉइन्स का अच्छा खासा आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा नेक्स्ट आइकन आप देख सकते हो सुपर गेम्स नाम से। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, अपने सुपर कॉइन्स को यूज कर सकते हो गेम्स खेलने में, जहां पर आप क्या करते हो गेम्स खेलते हो और अच्छे अच्छे एक्साइटिंग प्राइजेस जीतते हो। इतना ही नहीं है, इसके अलावा आप अपने जो सुपर कॉइन्स हैं जो आपने कलेक्ट किए हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हो आप रिचार्ज करने में, बिल पेमेंट में। अगर अभी भी आप फ्लिपकार्ट सुपर कॉइन्स से सेटिस्फाई नहीं है तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि 2 लाख प्लस रजिस्टर्ड मर्चेंट जो हैं वहां फोन पे यूज करते हैं जहां पर आप सुपर कॉइन्स को यूज कर सकते हो। इसके अलावा फ्लिपकार्ट फ्लाइट पर, क्लियर ट्रिप पर भी आप यूज कर सकते हो। और इसके अलावा एक गुड न्यूज़ आपके साथ मैं शेयर करना चाहूंगी कि जो मिंत्रा पर जो इनसाइड पॉइंट्स मिलते हैं वो भी अब सुपर कॉइन्स हो गए हैं। तो आप अपने जो सुपर कॉइन्स हैं उनको वहां भी इस्तेमाल कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे पता है आपके माइंड में आने वाला है कि जो ये फ्लिपकार्ट की प्लस मेंबरशिप है तो उसको हम रिन्यू कैसे करवा सकते हैं। तो देखिए जब आप कुछ भी सामान फ्लिपकार्ट बाय करते हो, प्रोडक्ट बाय करते हो, तो आपके जैसे ही 200 कॉइन्स आपके कलेक्ट हो जाते हैं तो ये ऑटोमेटिकली आपकी रिन्यू हो जाती है। और एक बात और, आपके जो कॉइन्स हैं वो डिडक्ट नहीं किए जाते हैं। तो आपके माइंड में आ रहा होगा कि चलो डिडक्ट तो नहीं होंगे कॉइन्स, आपसे सुपर कॉइन्स नहीं लिए जाएंगे, तो क्या अगर हम उन 200 कॉइन्स को कहीं और यूज कर लेते हैं, कुछ और प्रोडक्ट में यूज कर लेते हैं, तो फिर हमारे पास जब नहीं होते कॉइन्स हमारे अकाउंट में तो क्या उसके बाद हमसे मेंबरशिप ले ली जाती है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, जो मेंबरशिप है वो 1 ईयर के लिए आपको मिलती है। तो अब अगर आप सुपर कॉइन्स को यूज भी कर लेते हो उसके बावजूद भी आपसे मेंबरशिप नहीं ली जाती, और जैसे जैसे आप सामान बाय करते रहते हो तो अकाउंट में आपके 200 कॉइन्स हो जाते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली आपकी आगे भी फ्यूचर में रिन्यू अपने आप हो जाती है। तो आज मैंने आपकी फ्लिपकार्ट प्लस मेंबर और सुपर कॉइन्स के फायदे मैंने आपके साथ शेयर करे हैं।
फिर भी अगर आपके कुछ डाउट्स हो जो आपको नहीं समझ में आया हो, आप मुझे कमेंट कीजिए, पूछिए, और इसके अलावा मुझे कमेंट कीजिए कि आप फ्लिपकार्ट के बारे में आप और क्या जानना चाहते हो, क्या आपके डाउट्स है जो मैं आगे नेक्स्ट वीडियोस में आपके सोल्व करूँ, मैं वीडियो ले आऊंगी। और इसके अलावा फ्लिपकार्ट का आप क्या हॉल नेक्स्ट टाइम आप देखना चाहते हो, साड़ी हॉल देखना चाहते हो या सूट हॉल देखना चाहते हो नेक्स्ट टाइम के लिए, वो भी कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। तो चलिए ठीक है, इस वीडियो का हम यही एंड करते हैं। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।